हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल, और एचटीएमएल में हमने देखा था कि एचटीएमएल क्या होता है, उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन उसके हिस्ट्री एंड वर्जन हमने देखे थे कि अब तक कौन कौन से एचटीएमएल के वर्जन आ चुके हैं। देन हमने उसके बेसिक टैग एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एक एचटीएमएल का जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, राइट। देन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेडिंग टैग्स को। पैराग्राफ टैग्स, अब बेसिकली हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ्स होते क्या हैं? तो आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा कभी भी, तो उसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, देन उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, फिर एक हेडिंग आई, देन पैराग्राफ, फिर कोई हेडिंग होगी, देन पैराग्राफ। हर एक बुक का या फिर वेब पे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका रीडिंग मोड यही होता है, एक हेडिंग होती है देन पैराग्राफ होता है, हेडिंग होती है एंड पैराग्राफ होता है, पर पैराग्राफ मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो हेडिंग टेक्स्ट का काम होता है वो आपके हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, इनको लिखने के लिए होता है। ये जितने भी हेडिंग्स होती हैं वो हम किससे लिखते हैं? हेडिंग टेक्स्ट से। अब हेडिंग टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं? हेडिंग टैग होते हैं आपके H1 से लेके H6 तक, और जब भी मैं टैग की बात करता हूं तो उसका मतलब यह होता है कि वो एंगुलर ब्रैकेट से सराउंडेड होगा, राइट। जब भी मैं किसी टैग की बात करूंगा तो वो टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप, अगर मैं नहीं भी लगा रहा हूं तो इसका मतलब आपके हमेशा क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक आपके पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं टोटल, राइट। सेकेंड चीज, जितने भी हेडिंग टैग्स होते हैं ये क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल टैग्स कहलाते हैं। जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक लेवल टैग्स कहलाते हैं। अब ब्लॉक लेवल टैग ठीक है, ब्लॉक लेवल टैग्स कहलाता है, लेकिन ब्लॉक लेवल क्या होता है? तो ब्लॉक लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपके एचटीएमएल में दो तरह के डिस्प्लेज होते हैं, दो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, एक होती है आपके इनलाइन और एक होती है ब्लॉक। अब सब इनलाइन क्या होती है और ब्लॉक क्या होता है एक्चुअली? तो इनलाइन तो नाम से क्लियर है, लाइन के अंदर, यानी कि अगर मैं कोई लाइन लिख रहा हूं, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूं, और अगर बीच में मैंने कोई टैग यूज किया ना तो आगे का टेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा। कैसे? मैं अभी समझाता हूं, राइट। मैंने लिखा वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी, ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, और इस टेक्स्ट में जो ये वाला पोर्शन है यहां पे मैंने एक बी टैग लगा दिया। बी टैग क्या करता है? आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। तो ये बी टैग लिखा, तो मैंने जैसे ये लिखा वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी और बीच में बी टैग है, तो इस इतने टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, लेकिन ये टेक्स्ट क्या होगा? इसी लाइन में कंटिन्यूटी में रहेगा। यानी मैंने कोई टैग तो यूज किया, मैंने कोई टैग तो यूज किया, बट इस लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये सेम एक ही लाइन में पूरा टेक्स्ट आ गया। अगर मैं यहां पे अगर H1 टैग यूज करता है इसकी जगह, लेट्स से, देन अब क्या होता? अब ये जो आईटी एग्जाम स्टडी है ये कहां आता? इसके नीचे, वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। क्यों आता? बिकॉज H1 क्या है? आपका ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग क्या करता है? ऑटो स्पेस देता है ऊपर और नीचे से। इनलाइन में कोई स्पेसिंग नहीं होती, जैसे आप कंटिन्यूटी में लिखते जा रहे हो वैसे के वैसे ही लिखा हुआ आएगा। तो आई होप ये क्लियर होगी चीजें कि ब्लॉक लेवल क्या होता है और इनलाइन लेवल क्या होता है। ब्लॉक लेवल के अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो नई लाइन में आएगा और ऊपर नीचे से ऑटोमेटिकली आपके स्पेस आ जाएगा वहां पे, और इनलाइन में उसी लाइन के अंदर कंटिन्यूटी में आपका टेक्स्ट चलता रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने जो टैग इंप्लीमेंट किया उस टैग का इफेक्ट उस पर होगा। जैसे मैंने बी टैग लगा दिया, इतना जो कंटेंट है, इतना जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, आई लगाऊंगा तो इटैलिक हो जाएगा, यू लगाऊंगा तो अंडरलाइन हो जाएगा उसके नीचे, बट उस टेक्स्ट पे स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ब्लॉक में क्या होता है? दोनों तरफ से स्पेस आ जाता है। ये क्लियर है? ब्लॉक लेवल का मतलब समझ में आ गया कि इसका जो हेडिंग टैग्स है ये किस टाइप के होते हैं? ब्लॉक लेवल टाइप के होते हैं। इट मींस ऊपर और नीचे से, यानी बिफोर एंड आफ्टर दोनों तरफ से क्या होगा? इसमें स्पेस ले लेता है ऑटोमेटिकली, राइट। नाउ
अब बात करें यहां से कितने प्रकार के किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि टोटल एस्टीमेट में टोटल कितने हेडिंग टैग्स होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6। बात करूं मैं, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है एंड H6 होता है। ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, राइट। अब इन हेडिंग टैग्स की साइज क्या, किस तरह से होती है? तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है आपका, राइट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एस्टिमेट में सबसे स्मॉलेस्ट टैग कौन सा होता है? H6। और सबसे लार्जेस्ट टैग कौन सा होता है? H1, साइज के हिसाब से। लेकिन आपकी और मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि उस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि H1 मतलब कितने टैग होते हैं या कौन सा टैग स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा टैग लार्जेस्ट होता है। तो फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन बनता है इसके बाद से। ये तो बहुत बेसिक सी जानकारी है। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, जिसके बाद जो पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, जहां से वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपको जो साइज पूछेगा आपको पिक्सल्स में, कि यार H1 की पिक्सल्स में कितनी साइज होती है, H2 की पिक्सल्स में कितनी साइज होती है, फिर एम्पेसिस में पूछ सकता है आपको EM। EM स्टैंड फॉर एम्पेसिस। तो अगर मैं बात करूं H1 की साइज कितनी होती है, H1 की साइज होती है 32 पिक्सल्स, राइट। H2 की बात करूं तो इसकी होती है 24 पिक्सल्स। H3 की बात करूं तो इसकी होती है 18 पिक्सल्स। 18 एक्चुअल में तो 18.72 होती है, राइट। अगर मैं बात करूं H4 की, तो H4 की होती है 16 पिक्सल। बात करूं मैं H5 की, तो इसकी होती है 13.28। और अगर बात करूं H6 की, तो इसकी होती है 10.72। तो ये पिक्सल्स में है टोटल साइज, 32 पिक्सल, 24 पिक्सल, 18.72 पिक्सल, 16 पिक्सल, 13.28 पिक्सल और 10.72 पिक्सल। चाहो तो आप पिक्सल लगा सकते हो, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है। तो जितने भी साइज है सारे पिक्सल्स में। अब बात करते हैं ईएम में। यही साइज अगर ईएम में कितनी होगी, तो 1 EM इज इक्वल टू होता है आपके 16 पिक्सल। 1 EM इज इक्वल टू कितना होता है? 16 पिक्सल। यानी कि अगर मैं बात करूं 32 पिक्सल अगर इसकी H1 की साइज, तो ईएम में कितनी हो जाएगी? 2 EM। कितनी हो जाएगी? 2 EM। बिकॉज 16 पिक्सल का एक ईएम होता है, तो 2 EM कितने का हो जाएगा? 32 पिक्सल का। तो 32 पिक्सल इज इक्वल टू 2 EM, राइट। इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 EM, राइट। इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1.17 EM। अगर बात करूं 16 की, तो हमें पता है 1 EM होता है, राइट। बात करूं 13.28, ये कितना हो जाएगा? 0.83 EM, राइट। बात करूं इसकी 10.72 की, तो ये कितना हो जाएगा? 0.67 EM। ये सारी साइज जो है वो ईएम में और ये पिक्सल्स में। तो इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, H1 की 32 पिक्सल हो गया और 2 EM हो गया, H2 की 24 पिक्सल हो गया, 1.5 EM हो गया, H3 की 18.72 पिक्सल हो गया, 1.17 EM हो गया, H4 की 16 पिक्सल हो गया और 1 EM हो गया, H5 की 13.28 पिक्सल में हो गया, 0.83 EM में हो गया, एंड H6 की हो गया 10.72 पिक्सल और 0.67 EM। अब इस साइज के बेसिस पे ही आपसे एचटीएमएल में जनरली अगर इसके हेडिंग टैग से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो जनरली इन्हीं साइज के ऊपर पूछेगा। अब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आगे डिस्कस करता हूं। लेट्स से हम बात करते हैं क्वेश्चन कि साइज ऑफ H2 टैग इन एचटीएमएल। एस्टीमेट में H2 टैग है, उसकी साइज कितनी होगी, राइट। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा बोल सकता है, 32 पिक्सल फर्स्ट, सेकंड आपका 28 पिक्सल, 24 पिक्सल एंड 4 आपको दे देगा 20 पिक्सल, राइट। तो ये तो अभी आपने देख लिया कि सीधा सीधा सिंपल सा क्या है, 24 पिक्सल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको ऑप्शंस ये ना मिलके आपको मिलेंगे 32 पिक्सल, 24 पिक्सल, 24
पीटी एंड 1.6 ईएम। आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं, देन आप कंफ्यूज जाओगे कि ये आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज ये 2 पिक्सल में आ गया, एक पीटी में आ गया और एक ईएम में आ गया। तो मैं बात करूं अगर पीटी की, तो पीटी आपके एचटीएमएल में नहीं चलता, पीटी आपकी जो साइज स्टैंडर्ड साइज है वो आपकी चलती है वर्ड में, वहां पे हम पॉइंट्स में मेजर करते हैं जो आपके फॉन्ट की साइज होती है उसको। लेकिन यहां पे आपकी जो फॉन्ट की साइज है वो आपके या तो पिक्सल्स में मेजर होती है या फिर ईएम में मेजर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 32 पिक्सल तो H1 की होती है, मैं पता है, तो ये तो नहीं हो सकती, पीटी भी यहां नहीं हो सकती, 1.6 ईएम। अगर मैं बात करूं तो हमारे ईएम के अंदर अगर मैं साइज की बात करूं H2 की, तो होती है 1.5, तो ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 पिक्सल। और इस सेम यही अगर उल्टा दे देता, यहां पे 20 पिक्सल दे देता, नहीं 1.5 ईएम दे देता, तो आपका 1.5 ईएम राइट आंसर होता। तो किसी भी तरह से वो मिक्स कर सकता है आपके जो यूनिट्स हैं उनको, आपको अवेयर रहना है और आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉइंट जो पिक्सल्स है उसमें साइज क्या होती है और ईएम में साइज क्या होती है। आई थिंक ये चीजें क्लियर है। Now, अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग्स की। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है, पी टैग को कहते हैं, जो आपका पी टैग होता है वो आपका पैराग्राफ टैग होता है। तो पैराग्राफ टैग भी क्या है, किस तरह का टैग है, आपके ब्लॉक लेवल टैग है, राइट। इट मींस ये भी ऊपर और नीचे से आपके स्पेस लेगा ऑटोमेटिकली। सेकेंड, डिफॉल्ट स्पेसिंग, पैराग्राफ टैग की डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है, 1 लाइन, एक लाइन का स्पेस ऑटोमेटिकली नीचे दे देता है ये। जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, तो ये लाइंस लिखी आपने, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा वो एक लाइन की स्पेसिंग के बाद आएगा, राइट। तो डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होगी, 1 लाइन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पैराग्राफ टैग की डिफॉल्ट स्पेसिंग क्या होती है, 1 ईएम, 1 लाइन, 16 पिक्सल है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको हमेशा क्या रखना है, जो आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 लाइन का, राइट। ब्लॉक लेवल टैग क्यों है, ब्लॉक लेवल टैग इसलिए बिकॉज ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे से स्पेस ले लेता है, यानी आफ्टर एंड बिफोर क्या ले लेता है, ये स्पेस ले लेता है, राइट। नेक्स्ट एक टैग होता है आपके यहां पर प्री टैग, ये भी पैराग्राफ की तरह यूज होता है, बट काम इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। पी टैग में तो आप क्या होता है कि अगर आपने लेट से कुछ भी लिखा, हेलो दिस इज आईटी एग्जाम स्टडी, वी आर प्लीज्ड टू इंट्रोड्यूस और ए, राइट। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा पी टेक के अंदर, जब मैं ब्राउजर और मैंने यहां पे एंटर मारा दोनों जगह, अब जब मैं इसको ब्राउजर पे डिस्प्ले करूंगा तो ये जो पूरे 3 लाइन है ना, ये एक ही लाइन में आएगी वहां पे आउटपुट में। क्यों आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे एंटर प्रेस किया है, बट ब्राउजर उस एंटर को आइडेंटिफाई नहीं करता, रीड नहीं करता है। अगर मुझे ये डिस्प्ले करना है कि मुझे ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैंने फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था बी आर टैग हम यूज करेंगे लाइन ब्रेक के लिए, और यहां भी मैं क्या यूज करूंगा, बी आर टैग यूज करूंगा। अगर मैं बी आर टैग यूज कर रहा हूं तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लेकिन अब अगर मैं इसको सेव करके रन कराता हूं तो ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन भी आ जाएगी, सेकंड लाइन भी आ जाएगी एंड थर्ड लाइन भी आ जाएगी, इस तरह से 3 लाइन। तो पैराग्राफ क्या करता है, हमेशा एक ही लाइन उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तो जैसा यहां पर लिख रहा हूं वैसा ही मुझे वहां पर आउटपुट दिखे। लेट्स से कि मैंने इसको ऐसे लिखा, हेलो दिस इज, और मैंने इतना स्पेस दिया आईटी एग्जाम स्टडी, और इसके बाद मैंने यहां पे और स्पेस दे दिया और यहां से लिखा फॉलो अस, देन मैंने यहां पे लिखा इंस्टाग्राम ट्विटर। और अब मैं चाहता हूं कि जैसा यहां पे लिखा हुआ है वैसा ही वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए एज इट इज। तो मैं क्या यूज करूंगा, प्री टैग यूज करूंगा। अब प्री टैग जो यूज होता है वो होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के लिए। किसके लिए यूज होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग। इसीलिए जो भी प्री में लिखूंगा मैं वो एज इट इज आपको
जो ब्राउजर है वहां पे आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगा, तो हेलो दिस इज, यहां पे जितना स्पेस मैंने दिया है एज इट इज उतना ही स्पेस वहां दिखाएगा। वी आर प्लीज टू इंट्रोड्यूस, यहां पे अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे एंटर आ जाएगा। और यहां पे पूरा स्पेस दिया, यहां एंटर एंटर करके मैंने पूरा स्पेस दिया, फॉलोअर्स लिखा, एंटर लिखा, देन अगेन वापस स्पेस देके मैंने लिखा। तो एज इट इज जैसा मैं यहां पे डिस्प्ले हो रहा, जैसा आपको यहां पे डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज वैसा का वैसा आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। आपको कहीं कुछ बी आर टैग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इनको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये काम होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग प्री टैग का। लेकिन अगर मैं पी टैग लगा देता तो ये पूरा का पूरा वहां पे ब्राउजर पे एक ही लाइन में आ जाता। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, पी टैग में और प्री टैग में, आई होप। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो स्पेस के लिए एम परसेंट एम बी एस पी सेमीकॉलन, ये कोड होता है जो कि आप एक सिंगल स्पेस के लिए यूज करते हो। एन बी एस पी एम परसेंट एन बी एस पी सेमीकॉलन लगाएंगे तो आपके जो कहीं भी अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देने यहां पे, क्योंकि जितने भी स्पेस देंगे आपका क्या करेगा ब्राउजर, उसको एक ही स्पेस काउंट करेगा भले कितने स्पेस दे दो यहां पर, बट आपको बहुत सारे स्पेसेस चाहिए तो आप क्या करोगे, उतने ही बार एम परसेंट एन बी एस पी लिखोगे आपके कोड में तो उतने ही स्पेस आपको वहां पे डिस्प्ले में मिल जाएंगे ब्राउजर में, राइट। देन अब यहां से और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके हेडिंग टैग और हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग में, आपको यहां पे एक चीज और मैं बता दूं आपको। एक तो यहां जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है आपके कि कौन से टैग की साइज पैराग्राफ टैग की इक्विवेलेंट होती है, विच टैग हैज द सेम साइज एज p tag, which heading tag has the same size as p tag, तो h1 h2 h3 h4, now your answer will be h4। जो heading tag 4 है उसकी size equal होती है किसके, paragraph tag। और पैराग्राफ टैग की डिफॉल्ट साइज क्या होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैराग्राफ टैग है उसकी जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या होती है, एंड यही क्वेश्चन है पैराग्राफ टैग ना पूछ के आपको ब्राउजर भी बोल सकता है कि ब्राउजर की डिफॉल्ट साइज क्या होती है, फॉन्ट साइज, या फिर डायरेक्टली वो ये भी बोल सकता है किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की जो डिफॉल्ट साइज होती है वो क्या होती है। इन तीनों चीजें सेम है, बोलते हैं कि डिफॉल्ट साइज ऑफ पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग की डिफॉल्ट साइज क्या है, बोलते कि ब्राउजर की जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या है, या फिर बोलते कि जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है। और जब भी साइज की बात कर रहा हूं तो फॉन्ट साइज की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 12 पिक्सल। क्या होता है राइट आंसर, क्या होता है 12 पिक्सल। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि कभी भी आपको एग्जाम में या तो 12 पिक्सल नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो आपको इसके साथ 16 पिक्सल भी मिलेगा। और अगर 16 पिक्सल वहां मिलता है तो आपको राइट आंसर जो टिक करना है वो 16 पिक्सल को करना है। अब क्यों करना है भाई, जब मैंने बोला कि 12 पिक्सल होती है साइज तो डिफॉल्ट साइज, तो फिर 16 पिक्सल को टिक क्यों करना है, बिकॉज जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर मैं बात करूं सीबीएसई की बुक्स, तो वहां पे इसकी साइज 16 पिक्सल दी है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपके ऑर्गेनाइज करवा रही कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमेशा किस चीज को मानती है, किसी ऑथेंटिक बुक को या फिर किसी ऑथेंटिक रिसर्च पेपर को मानती है। तो इस अकॉर्डिंग आपको 16 पिक्सल ही टिक करना है, बिकॉज वही सही होगा। वहां पे 12 पिक्सल वहां पे नहीं दिया हुआ सीबीएसई में, सीबीएसई में 16 पिक्सल दिया हुआ है, इसलिए हम 16 पिक्सल को ही सही मानेंगे। तो होता तो एक्चुअली 12 पिक्सल है, अगर बात करूं मैं मेजरमेंट के हिसाब से, बट हमें 16 पिक्सल को टिक करना है, तो 16 पिक्सल इज राइट आंसर। अगर 16 पिक्सल नहीं दिया हुआ है तो देन उस केस में आपका 12 पिक्सल सही होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार वैसे तो 12 पिक्सल होती है, बट एग्जाम्स में 16 पिक्सल को क्यों सही माना जाता है, उसका एक्चुअल रीजन ये है, राइट। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से टैग्स लाइन ब्रेक के लिए यूज में आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे, which tag is
आर नॉन लाइन ब्रेक टैग्स, विच टैग इज और आर नॉन इज लाइन ब्रेक टैग, निम्न में से कौन से टैग है जो कि लाइन ब्रेक टैग के रूप में भी जाने जाते हैं, और ऑप्शन दे दे आपको एच वन, ठीक है, सेकंड आपको दे दे बी आर, थर्ड आपको दे दे वो ड्यू, एंड फोर दे दे आपको ऑल ऑफ द अबो, देन व्हाट विल बी द राइट आंसर। आई होप जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो किसको टिक करेंगे, बी आर, बिकॉज सबको पता है कि लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, बी आर टैग यूज करते हैं। क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा है सीधा सीधा, विच टैग इज या फिर आर नॉन एज लाइन ब्रेक टैग, कि निम्न में से कौन सा टैग लाइन ब्रेक टैग के रूप में जाना जाता है, तो बी आर टैग ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मैंने भी यही बताया और मैं भी यही बोलूंगा कि बी आर टैग, बट नहीं, इसने कहा है कि कौन से टैग्स को राइट लाइन ब्रेक टैग्स के रूप में जाना जाता है। तो लाइन ब्रेक टैग वो होते हैं, जितने भी ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, लाइन ब्रेक टैग्स होते हैं, बिकॉज जब भी आप किसी ब्लॉक लेवल टैग को यूज करोगे तो उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो नई लाइन में आएगा, यू गेट द पॉइंट, बिकॉज हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब ब्लॉक लेवल टैग्स हमने डिस्कस किए थे, कि ब्लॉक लेवल टैग्स में ऊपर नीचे दोनों साइड से ऑटोमेटिकली स्पेस ले जाता है वो, यानी इसके बाद में जो भी लिखूंगा वो न्यू लाइन में आएगा, इसलिए हमेशा ये जो ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं ये लाइन ब्रेक टैग भी कहलाते हैं। तो एच वन क्या है, मेरा ब्लॉक लेवल टैग है इसलिए लाइन ब्रेक टैग भी होगा, बी आर मेरा ऑब्वियसली लाइन ब्रेक के लिए तो है ही, डिवीजन टैग भी क्या होता है आपके ब्लॉक लेवल टैग होता है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, लाइन ब्रेक टैग भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हैं, तो इसलिए क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव आर लाइन ब्रेक टैग्स। आई होप आज आपको पैराग्राफ और हेडिंग्स जो हमने पढ़े हैं ये चीज क्लियर हुई होगी और बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम पे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं। साथ ही हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में HTML के नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।